हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए मिलके बनाते हैं ये पनीर लबाबदार की टेस्टी सब्जी। उससे पहले अगर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड प्लीज प्लीज मोटिवेट मी। तो सबसे पहले हमने कढ़ाई में 4 टेबलस्पून ऑयल दे दिया है, इसको गर्म होने देंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 ब्राउन कार्डमम, 1 बे लीफ ऐड कर रही हूँ, और इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा क्रश किया हुआ 2 हरी इलायची। ये हो चुका है, इसमें ऐड कर देंगे हम ये चॉप किया हुआ जिंजर और गार्लिक। 8 से 10 गार्लिक क्लोव लिए हैं, 2 इंच जिंजर लिया है, रफली चॉप कर लिया है, और इसको हमने थोड़ा सा पका लेना है लो फ्लेम पर, हल्का सा कलर चेंज होने तक। ये देखिए इस तरीके से। थोड़ा सा पिक्चर की क्लैरिटी में प्रॉब्लम है क्योंकि मैंने कैमरा क्लीन नहीं किया था, तो प्लीज़ फॉरगिव मी। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें मैं 5 स्लाइस ऑनियन डाल रही हूँ, ऑनियन को स्लाइस करके यूज़ करा है। अच्छे से इसको भी पका लेंगे हमारा हल्का सा गोल्डन कलर आने तक लो फ्लेम पे ही। यहाँ पे मैं 10 से 15 कैश्यू डाल रही हूँ, इससे हमारी ग्रेवी जो है काफ़ी रिच और थिक हो जाती है। ये देखिए कलर चेंज हो चुका है हमारे ऑनियंस का। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी थोड़ा सा कश्मीरी रेड चिली है, 4 कश्मीरी रेड चिली हैं भिगा कर रखी हुई थी, और 5 चॉप्ड टोमेटोज लिए हैं, 5 से 6 ग्रीन चिलीज लिए हैं। इन सबको हमने मिक्स कर लेना है और इसको पकाना है जब तक हमारे टोमेटोज बिल्कुल सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं लो फ्लेम पे। सो अभी इसमें ऐड करेंगे मसाले में 2 चम्मच जो है धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ, इसमें नमक स्वाद के अनुसार यूज़ कर रही हूँ, हल्दी पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच, ये देखिए। और अब हमने जो है अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है, और लो फ्लेम पे हमने इनको तब तक पकाना है जब तक हमारे टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, मसाले अच्छे से पकना जाएँ तब तक। तो इस तरीके से हम इसको पका लेंगे चलाते हुए। सो ये देखिए मसाले हमारे बिल्कुल पक चुके हैं, इसको ठंडा होने देंगे और इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब मैंने दोबारा से पैन में 3 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, गरम होने देंगे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा 1 चम्मच क्यूमिन सीड्स का, और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा जूलियन जिंजर, ये देखिए। और अब इसमें ऐड कर देंगे 1 चॉप किया हुआ ऑनियन, और ऑनियन को हमने हल्के से पका लेना है, हल्का ट्रांसलूसेंट होने तक, ट्रांसपेरेंट कलर आने तक पका लेना है। ये देखिए हो चुका है। तो अब इसमें ऐड कर देंगे जो मसाले हमने बनाए थे उसका पेस्ट हम इसमें ऐड कर देंगे, और मसाले को पेस्ट को अच्छे से मिक्स करेंगे, और लो फ्लेम पे हमने इसको 1 बॉईल आने तक कुक कर लेना है। ये देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है, मिक्सिंग जार को क्लीन कर दिया है, और इसको हमने कवर करके पकाना है। ये देखिए अब इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा ग्रेवी को थिक करने के लिए 1/2 कप मिल्क। पानी भी यूज़ कर सकते हैं गर्म पानी, पर मैं मिल्क यूज़ कर रही हूँ, उससे टेस्ट भी बिल्कुल अच्छा सा हो जाता है। ये देखिए और अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से कवर करके इसको पका लेंगे। तो ये आ चुका है बॉयल, इसमें इसमें ऐड कर रही हूँ मैं थोड़ा सा ग्रेटेड पनीर, तो उसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करके इसको भी पका लेंगे इस तरीके से, कवर कर देंगे इसको 1 से 2 मिनट तक। सो अब इसमें हम ऐड कर देंगे पनीर, तो मैंने यहाँ पे फ्रेश पनीर लिया है। आप मैं इसको फ्राई नहीं कर रही हूँ, आप चाहें तो फ्राई करके भी, हल्का फ्राई करके, शैलो फ्राई करके यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर देंगे हल्के हाथों से ताकि पनीर हमारी टूटे नहीं, और इसको इस तरीके से मिक्स करके हम थोड़ा सा पका लेंगे 2 से 3 मिनट तक। और इसमें ऐड करी मैं रोस्टेड करी हुई कसूरी मेथी, थोड़ा सा फ्रेश क्रीम, ये घर की दूध की मलाई वाली ही क्रीम है। अच्छे से मिक्स कर देंगे, फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है क्योंकि हमने इसमें मलाई मिक्स करी है, तो फ्लेम को लो करके हल्का से इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए अच्छे से हो चुका है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ चॉप किया हुआ हरा धनिया, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारे टेस्टी और यमी पनीर लबाबदार जो है बनके तैयार हो गया है। इसको गर्म गर्म सर्व कर सकते हैं आप, रोटी नान पराठा जिसके साथ भी चाहें। तो होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी कैसे लगी है डू मेंशन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड प्लीज़ 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 गाइज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, दैट विल रियली रियली मोटिवेट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून विद अनदर रेसिपी। टिल देन बाय एंड टेक केयर।